फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। थाना ब्रह्मपुरी निवासी निखिल पुत्र सविंद्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको बता दें, निखिल रोज की तरह ही माधोपुरम से बाइक से टापका जॉब पर जाता था। तभी पीछे से काली पल्सर पर करण व रोहित आए, जो कि माधोपुरम के ही रहने वाले थे, और उन्होंने निखिल को गोली मार दी। आनंद फानन में निखिल को दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा गौरव ने पुलिस को बताया। गौरव निखिल का दोस्त था और उसके साथ ही काम करता था, जिसने पुलिस को ये पूरी कहानी बताई और कहा कि आरोपियों ने निखिल को सामने से गोली मारी है, जबकि जांच में पाया गया कि सिर में पीछे से गोली लगी थी। पुलिस ने छानबीन की और खुलासा हो गया कि हत्या गौरव ने ही की है। आज घटना का खुलासा करते हुए SP सिटी अखिलेश नारायण ने पत्रकारों से बातचीत की। आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं SP सिटी। 3 मार्च 2020 को कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में डाबका कट के पास ये सूचना मिली थी कि निखिल नाम के लड़के को दो लोगों ने, जो बाइक से आए थे, गोली मार दिए थे। कैलाशी हॉस्पिटल में इसका इलाज हुआ। इसके साथ एक लड़का था गौरव नाम का। गौरव ने बताया कि वो दोनों लड़के जो थे, चूँकि ये भी वहीं पास में रहता था जहाँ मृतक रहता था, तो उसके आधार पर घर वालों ने दो लोगों की नामजदगी कराई, करण और रोहित थी। लेकिन जो इसकी गतिविधियाँ थी गौरव की, वो संदिग्ध पाते हुए जब विवेचना गंभीरता से किया गया, पूछताछ तहकीकात ठीक से किया गया, तो निकल के मामला ये आया कि जो मुख्य अभियुक्त है और इकलौता अभियुक्त है, वो गौरव है। गौरव ने ही डेरी पर ही निखिल को गोली मार दिया था सर के पीछे, और वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसने एक कहानी बनाई, इस कहानी के आधार पर मृतक के परिवारजनों को सूचना दिया, परिवारजनों ने उसे भरोसा करके FIR लिखाई। इस विवेचना से दो निरपराध, जिन लोगों के खिलाफ हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, वो बरी हुए विवेचना से, और जो असली अभियुक्त है, और एक तरह का खड़ेंद्र भी इसने किया दो लोगों को गलत फंसाने का, उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया और इसको विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। हत्या की वजह इसमें थी कि एक इसकी जो प्रेमिका थी, इसको लगा कि मृतक जो है अब वो उससे बात कर रहा है, तो इस वजह से इसने इस घटना को अंजाम दिया था। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फुल बाइट TV।